नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। रीवा जिले में निजी कंपनी ने सुंदरीकरण के नाम पर बना दिया मौत का तालाब, ग्रामीणों ने किया विरोध। माँ शारदा देवी महाविद्यालय में बच्चों से वसूली जा रही दोगुना शुल्क, अध्ययनरत बच्चे हो रहे परेशान। और शाहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम किसरौद में गुरुवार को बिजली के तारों से स्पायरिंग होकर चिंगारी निकलने से खेत में लगी आग, बड़ा हादसा होने से डरा। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और बात करते हैं रीवा जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस समय चुनाव के बहिष्कार की खबरें लगातार आ रही हैं। ग्रामीण लोग अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरने के लिए चुनाव ना करने की बात करने लगे। इसी तरह का मामला रीवा जिले के मनगवा विधानसभा अंतर्गत गढ़ी कला का है, जहाँ ग्रामीण जन निजी कंपनी से परेशान होकर सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रीवा जिले में ये कोई नया मामला नहीं है, जब कोई गांव अपनी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन में उतर आए, ये समस्या आम हो गई है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि रीवा इलाहाबाद रोड निर्माण करने वाली बंसल ग्रुप कंपनी रोड में मुरूम और माटी डालने के लिए गांव से मदद मांगी गई, जिसके बाद गांव में एकमात्र तालाब को सौंदर्यीकरण और गांव के विकास की बात की। इसके बाद तालाब से मिट्टी खोदने का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के लोगों का कहना है कि कंपनी ने मिट्टी के नाम पर पुराने तालाब को करीब 84 मीटर तक खोद दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर गांव के लोग विरोध में उतर आए हैं और गांव में इतने गहरे तालाब के कारण खुद को सुरक्षित नहीं बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि तालाब के सुव्यवस्थित रूप से न बनने के कारण आए दिन जान माल का खतरा होने लगा है। आए दिन जानवर मवेशी तालाब में गिरने लगे हैं। अब ये सूखा तालाब, जिसकी गहराई करीब 84 मीटर है, ये एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। गांव के लोगों ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत शासन और प्रशासन सभी तबके से की, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं लगातार इस कार्य को गति भी मिल रही है। गांव के लोगों ने कहा कि अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं होती है तो वो इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे, साथ ही रीवा इलाहाबाद मार्ग को बाधित करेंगे। इतना ही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रयोग ना कर भारी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्या विरोध करेंगे? विरोध ये है कि सबसे बड़ी पहली बात, जो लिख के कंपनी ने जो वादे किए थे उनने कुछ नहीं किया। यहाँ पे आके तालाब को इतना गहरा कर दिया, तालाब से क्या समस्या हो सकती है आप खुद समझ सकते हैं। अगर बरसात में पानी भरी तो जानवरों को और इंसानों को, सबको प्रॉब्लम होगी। उसने कहा था कि इस तालाब को मैं सुंदरीकरण करके दे दूंगा आप लोगों को, यहाँ की मिट्टी की जरूरत है मेरे को सड़क बनवाने के लिए, पेड़ पौधा लगा के सौंदर्यीकरण हर चीज़ की व्यवस्था करने के, वहाँ से यहाँ तक नेशनल हाईवे से तालाब तक रोड बनवाने के लिए पूरी गारंटी दिया था, पूरे वादे थे उसके, लेकिन उसमें उसने आज तक कुछ नहीं किया। यहाँ तक का रोड का पूरा काम लगभग कम्प्लीट हो गया, लिखित में है और जुबानी वादे भी है, लेकिन सादे कागज पे उसने लिख दिया था। हम लोगों ने विश्वास किया, सरपंच साहब थे उनने भी विश्वास किया और इतना हुआ था कि मतलब जब आप लोग कहोगे तब मैं करवा दूंगा। उनकी रोड का काम 2-4 दिन का ही बचा हुआ है, लगभग 1 हफ्ते के अंदर उनका काम लगभग खत्म होने वाला है। सारे कैंप के सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, काम लगभग उनका खत्म हो गया है रोड का। चुनाव की बहिष्कार की बात आ रही है, अवैध खनन की बात आ रही है, क्या कहते हैं आप सरपंच हैं इस मामले को लेकर? देखिए, हम जनता के सुचिंतक हैं, जनता को बात भी किया। जनता मेरे पास आएगी, ये बताइए सरपंच होकर आपकी बात को नहीं सुना जाना है। और इस ग्राम पंचायत में जितनी बड़ी अनैतिकता बंसल कंपनी द्वारा की गई, तो हम लोग फिर भी हम उनको मनाते हैं कि ऐसा नहीं करना, इसमें अपनी ग्राम पंचायत की बदनामी होती है। फिर भी जनता लेडीज हैं, सब हैं, वो सब अब आपके उससे अब दो दो तीन तीन पंचवर्षीय कंटिन्यू सरपंच हैं, तो लेकिन जनता अब मेरे पास इसी बात को कहने का आती है, लेकिन फिर भी हम जनता के साथ में अब जनता की बात को मानेंगे, जनता की बात को सुनेंगे, अब जैसा निर्णय ले उसको निभाएंगे। मामला क्या है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? मामला आपके सामने है, बंसल कंपनी द्वारा मेरे पास आने के बाद और एक मेरे सहयोगी संपत कुमार मिश्रा जी हैं, उन कंपनी में काम करते थे, आया बोला कि उसको मिट्टी और मुरुम की आवश्यकता थी। उसने बोला सरपंच साहब हमको मिट्टी मुरुम दे दीजिए, आपका तालाब ऐसा सौंदर्यीकरण कर दूंगा कि इस क्षेत्र में तालाब का, और देख लीजिए कि 5 एकड़ का तालाब इसको सीमित करके 1.5-2 एकड़ में कर दिया। और आने वाले उसमें जब हम बीच बीच में आते थे कि यार क्या कर रहे हो यार इतना, तो वही कहता था कि अरे सरपंच साहब चिंता क्यों कर रहे हो। और हम 200 बार गांव की जनता से पूछ लीजिए कि हम 20-20 हाईवा, दो दो पोकलैंड, दो दो तीन तीन दिन खड़ी करके, फिर
पुलिस वालों की मैं मदद करता था, पुलिस वाले आते थे इधर से उधर बात करते, सरपंच साहब फंस जाओगे ये करते, हम इसकी चिंता मेरे को नहीं थी कि फंस जाएंगे। फिर भी जब वो आके मुझसे कहते कि बस 5 दिन के अंदर सरपंच साहब मैं काम लगा के आपको 15 दिन के अंदर काम, फिर भी कोई बात नहीं। अब मजबूरन में मुझे, इसके पहले कोई ऐसा न्यूज़पेपर चैनल नहीं है उसमें और पेपर पत्रकार जो उसमें ना आया हो, अब बकायदे अच्छे से पूरा इसका क्या बात हुई थी आप और कंपनी के बीच में, कंपनी से सिर्फ मुरुम के बदले वो क्या देंगे? उसने मुरुम के बदले नहीं, उसने यही कहा था कि हमको मट्टी और मुरुम की आवश्यकता है, हमारा आपका जो अनुबंध कर रहे हैं कि आपका तालाब सौंदर्यीकरण और नेशनल 27 से यहाँ तक रोड, लिखित अनुबंध हुआ था आपका? हाँ लिखित हुआ। अरे वो सादे कागज में कंपनी गहरा कर दिया गया है, इससे आप लोगों को क्या क्या मुसीबत हो सकती है? आने वाले समय में सर ऊपर से देख रहे हैं बच्चे जो हैं, स्कूल वाले वाहन हैं, अभी इसके पहले मान लीजिए बरसात में इतनी बड़ी घटना घट सकती है कि बस स्लिप करेगी नीचे चले जाएगी। और दूसरा काम यह है कि अभी 10-12 दिन पहले 7-8 मवेशी गिर के टूट गए, पैर टूट गए। गहरा कितना है? कम कम 60 से 70 फीट है। इसके शिकायत आपने कहां की? हम पूरा प्रभारी मंत्री, खनिज मंत्री, कलेक्टर, जिला अध्यक्ष, क्या आश्वासन मिला आपको? बस सरपंच साहब दिखवाते, सब दिखवाते। आपको तो कंपनी द्वारा कोई दबाव बनाया जाता है? हाँ, हरदम मेरे ऊपर फोन करता है, कहता है कि हम देखिए मैं चैनल के माध्यम से नहीं झूठ बोलना चाहता हूँ, वो हरदम वही कहता है कि हम बहुत बड़ी, हमारी कंपनी बंसल न्यूज हमारा बहुत बड़ा है। और एक भी एक चीज और आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, इसमें 4 आदमी हैं जो कंपनी को इस बात को वाकई उन्होंने भनक नहीं, इसका पैसा मिट्टी कंपेशन का व्यवस्था करते हैं, वो एक सुधीर है और एक उमेश मिश्रा है और एक कुंदन और राजेश है ना, और कंपनी को जो अपने बॉस को गुमराह करके कह रहे हम सब कर लेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था करके वो आगे बात को बढ़ने नहीं देता, दबा देता है। तालाब की नींव उस समय जब आपका अनुबंध हुआ था कितनी थी, कितने फुट गहरा था आपका तालाब? मुश्किल से 4-4.5 फीट। आज की स्थिति क्या है? आज आपके सामने 70 से 72 फीट है, देख लीजिए, जबकि 9 फीट कुछ होता है, 9 फीट से ऊपर करने का कंपनी द्वारा जो कमिटमेंट किया गया था अगर वो पूरा नहीं होता है तो। और वही बात करते सतना जिले की मोहारी कटरा स्थित माँ शारदा देवी महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों से परीक्षा फीस के नाम पर लूट की जा रही है। छात्रों की माने तो डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा शुल्क ऑनलाइन 47 तो शो कर रही है, मगर प्रबंधन द्वारा बच्चों से 8,000 से 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं। बच्चों द्वारा विरोध करने पर प्रबंधक उन्हें सेशनल में नंबर काटने की धमकी दे रहे हैं। बच्चों का कहना है कि जब उनकी स्कॉलरशिप आई थी तब भी उनसे 500 रुपए जबरन ले लिए गए थे और बच्चों को कहा गया कि ये कागजों के लिए लिए जाते हैं। बच्चों की माने तो डीएलएड की पढ़ाई में 30,000 की शुल्क अदा करने के बाद भी बच्चों के पास से परीक्षा शुल्क के नाम पर 4700 की जगह अगर 10,000 लिए जाते हैं तो वो निहायत ही गलत है। छात्र छात्रा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, शासन की मंशा अधूरी रह जाएगी। इस मामले की शिकायत करते हुए डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्र मनोज सिंह पटेल ने और अपनी गरीबी बयां करते हुए बहुत ही कठिन तरीके से शुल्क जमा करने की बात कही। अगर प्रबंधन ऐसी ही लूट बच्चों से करेंगे तो वो उनके भविष्य में दखलंदाजी पैदा करने का कार्य कर रहा है जो निहायत ही गलत है। मनोज सिंह पटेल, क्या करते हैं यहाँ पे? डीएलएड। कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। आपकी जो शुल्क ली जाती है वो कितनी ली जाती है? वो 30,000 रुपये हमें बताई गई थी प्रारंभ में और प्लस एग्जाम फीस बताई गई थी, लेकिन अभी जब एग्जाम फीस का पता करने आया तो बोले 10,000 रुपये, जबकि नेट में शो कर रहा 4,700 करीब। तो क्या ये 30,000 में इंक्लूड नहीं था क्या ये? नहीं, इंक्लूड नहीं था, 30,000 प्लस एग्जाम फीस बताई गई थी, लेकिन 5,000 करीब एक्स्ट्रा ली जा रही है फीस। अच्छा, प्रबंधन से आपने शिकायत की इसकी? जी शिकायत की तो, लेकिन वो लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे, प्रिंसिपल सर रहते नहीं यहाँ पे, कभी आते नहीं, कोई बच्चा पहचानता ही नहीं। कितने टीचर होंगे यहाँ? सिर्फ 3 टीचर है और सब्जेक्ट 7 हैं। अच्छा अच्छा, क्लासेस रोज नहीं लगती क्या? कभी नहीं लगती हैं। कितने छात्र होंगे आपके क्लास में? करीब 60 से 65 छात्र हैं डीएलएड में, कोई आता नहीं, क्लास नहीं लगती। तो अच्छा, इसकी शिकायत कोई करता नहीं क्या? ये लोग बोल देते हैं कि आओ चाहे आओ, हो गया क्लास तो तुम लोगों की लगे नहीं, इसी तरह से, मतलब एक क्लास लगती है, अगर आते भी हैं हम लोग तो एक क्लास लगती है, उसके अलावा क्लास नहीं लगती। अच्छा, हम लोग शुरू में 2-3 महीने रेगुलर आए, इसके बाद एक बच्चे पास कैसे होते हैं, नकल करवा के पास करवाते हैं क्या? अब ये तो पता नहीं, हमारा फर्स्ट ईयर है। अच्छा, पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती, कोई आता ही नहीं है यहाँ से कोई। कॉलेज का नाम क्या है? माँ शारदा देवी महाविद्यालय। अच्छा, कौन सी जगह पे है, जगह कौन सी है? ये मोहारी कटरा में है।
और वहीं बात करें शहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम किसरौद की, तो वहां पर गुरुवार को लगभग 7 से 8 बजे बिजली के तारों से स्पायरिंग होकर चिंगारी निकलने से खेत में नरवाई में आग लग गई है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। नरवाई में लगी तेज आग बिजली विभाग के बने सब स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी। गनीमत रही कि कर्मचारियों ने समय रहते ही फायर ब्रिगेड को फोन करके बुला लिया, जिससे खेत में लगी आग पर काबू पाया गया। वहीं खेत से कुछ मीटर की दूरी पर एलपीजी गैस का प्राइवेट प्लांट था, अगर आग उस तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। शहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम भमकी में बीते गुरुवार को लगभग 3 बजे नवविवाहिता रश्मि की आग लगने से जीवन लीला समाप्त हो गई। जब घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो गांव के लोगों को जानकारी लगी। लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक महिला काफी जल चुकी थी। 10 माह पहले ही भमकी में रहने वाले अरविंद सतेंदुखेड़ा चौराई में रहने वाली रश्मि से शादी हुई थी। आग लगने की घटना का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस ने पंचनामा बनाकर बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है और घटना की जाँच जारी है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।